हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। वेलकम टू थिंकर एकेडमी पावर्ड बाय एफटीएस। एंड आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर होमी केरला से, और ये आए हुए हैं मास्टर टू के लिए। और आज जो मैं वीडियो, एक तो इनका इंट्रोडक्शन है, इसको तो जानते ही हो शुभम जी को, और ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आज एक स्पेशल वीडियो है जिसमें कि हम लोग ओसिलो, दो ओसिलो ले रहे हैं। वहाँ दिखा दें, एक ओटेल का है। अरे खड़े हो जाओ तुम भी, कोई बात नहीं है, कहीं छुपने की जरूरत नहीं है। ओटेल का है और हमारा थिंकार का है, तो दोनों को हम आपको पहले होंडा में आप लोग, तो ये ट्यूटोरियल भी है शुभम के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है जो देख रहे हैं वीडियो। एंड सॉरी ऑडियो क्वालिटी जरा पुअर थी, अब जरा माइक ले लिया है, माइक ले लिया। तो आज ये आपको दो चीज़ें दिखाएगा ओसिलो में, एक तो कैन नेटवर्क का होंडा का, और एक करंट हमने फ्यूल पंप का कैसे चेक करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो एंड जो कैन ट्रेसेस हैं वो कैसे होते हैं, लेट्स डू इट जी। ऑल द वे फ्रॉम केरला, ये सारा कुछ देखने के लिए, टू सी ऑल दिस। ओके सो लेट्स डू इट फ्रेंड्स। अभी मैंने ये हुकअप किया हुआ है, आप ये देख सकते हो मैक्सी स्कोप को, और गाड़ी स्टार्ट कर। मैंने क्या यूज़ किया है, ब्रेकआउट बॉक्स यूज़ किया हुआ है, कॉमन ग्राउंड है, पिन नंबर 614 है, एंड ये मेरा जो नेटवर्क है ये ऑन है। 100 माइक्रो सेकेंड्स मैंने लिया है पर डिवीजन, एंड ये मेरे को अगर मैसेज को देना है, हियर वी आर, ये मेरा एक मैसेज है। ओके इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, ये मेरा एक कैन का मैसेज बनेगा। ओके मैं होटल में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट आई जस्ट वांटेड, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि इसका भी स्कोप अच्छा है। और यहाँ पे थिंक कार का स्कोप है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ये जो चैनल 1 और 2 है, मैं चैनल 1 और 2 में लगाऊंगा और मैं आपको वही ट्रेस। और ये आप देख सकते हैं, ये दिस इज द डिफरेंशियल कैन, ये दोनों का टोटल जो आएगा वो 5 वोल्ट आएगा। तो व्हाट एवर यू वांट टू डू, कर्सर से हम नाप सकते हैं, कर्सर 1, कर्सर 2, नीचे आएगा ये इधर। तो बेसिकली जो कैन का नेटवर्क है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेजर करते हैं हम, ये आप देख सकते हो, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 5 वोल्ट। ओके और यहाँ पे अगर हम फ्रीज करते हैं एंड हमें नापना है, ये 1 है, ये 2 है, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। ये इधर आएगा, लाइक यू नो, ये 5 वोल्ट राइट, समथिंग लाइक दैट। इतना उंगलियाँ भी अपनी मोटी हैं, वो हल्का सा नहीं फिर ये ना आ जाएगा, लाइक दिस। तो 5 वोल्ट का मैसेज आएगा एंड वी कैन प्ले इट। बट सर इफ यू टेक इट फ्रॉम वेंडर, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलो। इफ यू टेक पीक टू पीक, वेयर इट गोस मोर देन 5 वोल्ट, पीक टू पीक में 5 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा सर। कैन मैसेजेस आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन, एक बार ट्राई करना, कहीं भी रहेगा इसको जो पीक गिरा ना, ये इधर आएगा इसका, उसके ऊपर क्या होगा, ये देखो, ये नंबर 2, ये देखो है, वी आर हियर, द डिफरेंशियल वोल्टेज है 1.5 वोल्ट,
ओके नीचे देखेगा तो 5 वोल्ट मिलना चाहिए। नहीं ये टोटल आ गया ना आपका 5 डेल्टा 5 वोल्ट है ये ओके राइट हाउ इट इज। और अब मैं स्ट्रेट अवे फ्रेंड्स थिंक कार में जा रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, ये हमारा थिंक कार का ऑसिलो है राइट। गाड़ी स्टार्ट कर, चैनल 1 चैनल 2 कैन हाई कैन लो, तू ले ले भाई इसको। चैनल 2 कहाँ चला गया? अरे इसमें ले ले रहा हूँ नेटवर्क्स में कैन हाई कैन लो, नेटवर्क में ही ले रहा हूँ कैन लो कैन हाई। पिन तो नहीं हिल गई? लूज तो नहीं है देख। से व्हाट हैपेंस इज कि तू हटा यार पंगे मत कर अब। ओके ये सी व्हाट हैपेंस इज जब हम मैसेज लेते हैं ना, टेक्निकली हम लोग अगर हमें सेव करना है ना मैसेज, लड़ से हम लोग ना 2 सेकंड्स का मैसेज लेंगे, वो इस तरीके से आएगा ब्लॉक। ओके अब इस ब्लॉक को हम सेव करके वी कैन ऑलवेज ओपन इट अप एंड सी, ये हम खोल के देख सकते हैं। टेक्निकली इसी तरीके से लेना है राइट, बट हम लोग अभी क्या है बिकॉज ये वीडियो में हम लोग दिखा रहे हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रिड्यूस द टाइम पे एंड ये हम लोग फ्रेंड्स लेके आ गए 50 माइक्रो सेकेंड्स पे एंड ये हमारा कैन मैसेज है। ओके ये इसमें द गुड थिंग है, ट्रिगर पॉइंट है, ये स्टार्ट ऑफ मैसेज हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके अब ये मैसेज यहाँ पे शुरू होगा, अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये मैसेज यहाँ से शुरू होगा। ओके ये देखो तो मैसेज इधर इधर मेरा ये ट्रिगर पॉइंट है, बट मेरे को कंप्लीट मैसेज चाहिए तो मैं उधर से लूँगा एंड ये मेरा अराइविंग एज पे है ट्रिगर। अगर मैं मेन्यू देखता हूँ एंड वी वांट टू क्लियर ट्रिगर पे हम देते हैं तो अराइविंग एज है, चैनल 1 है, ओके डीसी है और ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है, कोई भी राइविंग एज पे हम ले लेंगे। ओके तो एज फार एज ये की ऑन इंजन ऑफ है, गाड़ी स्टार्ट कर। और अगर हमारे को मेजर करना है वी कैन एट एनी पॉइंट स्टॉप इट, कर्सर को ऑन करते हैं। ये देखिए यार कहाँ है ये, हाँ Y1 Y2 ले, Y1 Y2 ये हाँ ये आ गया। ये मैसेज मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से पूरा अगर मैं लेता हूँ ये लेता तो 0 पॉइंट कहाँ पे नीचे है 0 पॉइंट यार ये Y1 ये स्पाइक टू स्पाइक है जो वो 5 वोल्ट की है, पर जो मैसेज है वो पूरा 5 वोल्ट ही नहीं है क्योंकि नहीं आएगा क्योंकि ऑन ऑफ में पूरा 5 पहुंच नहीं पा रहा है वो इसको। बट माय पॉइंट है हमारे जो ऑसिलोस्कोप के फंक्शंस हैं हम लोग ये ट्रिगर पैटर्न्स को सेव करके आराम से इसको देख सकते हैं,
कहाँ पे हमने ट्रिगर लेना है, राइविंग एज पे लेना है, वी कैन डू इट। मैसेज को यहाँ से लेना है, यहाँ पे ले सकते हैं, तो इतना सा आ गया। अगर मैं ट्रिगर हटा दूँगा तो मैसेज जो है वो इतने में सिमट जाएगा। तो ऑल इन ऑल थोड़ा सा मुशक्क़त करने वाली बात है, बट ये जो ऑसिलो है, हम टाइम बेस अभी हमने 50 माइक्रो सेकेंड लिया है, 10 माइक्रो सेकेंड लेंगे, ये कितना 100 है ये। ओके, अगर 10 माइक्रो सेकेंड लेंगे मैसेज और बढ़ जाएगा, राइट। अगर हम इसको 5 माइक्रो सेकेंड लेंगे तो मैसेज और बढ़ जाएगा, आपको एक एक चीज़ दिख जाएगी। 2 माइक्रो सेकेंड लेंगे तो मैसेज इज लाइक दिस, सेव करके आप यू नो वी कैन सी इसकी हम स्पीड को भी कम स्लो कर सकते हैं, जैसे ये तेज तेज जा रहा है इसको भी स्लो कर सकते हैं, धीरे धीरे जाए वो भी कर सकते हैं हम। इसमें करके देखा होल्ड ऑफ टाइम। अच्छा ठीक है, 6 माइक्रो सेकेंड, 50 माइक्रो सेकेंड, ये अब ये कर दिया हमने, अब ये धीरे धीरे चलेगा एक एक फ्रेम। फैंटास्टिक, जितना स्लो करना चाहे उतना कर सकते हैं। ओह वाओ, और बढ़िया ट्रेफ आ गया। हाँ, 5 और ये 5 वोल्टेज स्पाइक टू स्पाइक अभी आएगा। ये रहा हमारा एक कैन मैसेज। ये पीक इसमें ऊपर रखेगा तो और नहीं नहीं, कर्सर पे लोगे ना फिर आप, यू विल टेक इट ऑन द कर्सर। ये कर्सर आ गया मेजरिंग, ये इसको यार ये कर्सर नीचे करिए। और Y2 कहाँ है? Y2 ये है नीचे। नीचे कर Y2 तो Y1 को ऊपर कर। ये यहाँ से यहाँ तक का तो जो पूरा मैसेज है वो 2.6 वोल्टेज का है, दिखाता 5 है पर वो पूरा 5 होता नहीं है, वो स्पाइक टू स्पाइक 5 है। स्पाइक टू स्पाइक जो जो दूसरी आ रही है कुछ, यहाँ यहाँ स्पाइक आ रही है वो है। ये देखो ना फिर ये स्पाइक ऊपर भी जाएगी, ये आएगी जैसे अब जैसे ये आई, ये है ना उधर मिस्टर, ये देखो ये वाली स्पाइक होती है 5 to 5। छोड़ा ये 4.8 अभी इसको थोड़ा और करेंगे एडजस्ट, ये और यहाँ लिया हमने वाई ऊपर जा, ये देख ये आ गई 4.6 और थोड़ा सा ऊपर actually, जो कैन मैसेज है वो बोलते हैं कि पूरा 5-5 की स्विचिंग होती है, पर लेकिन पर वो पांच, पर वो जब तक 5 पे पहुंचेगा उससे पहले तो ऑफ हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है। हाँ, यहाँ से ये पीक टू पीक 5 है, हाँ वो चलता रहता है तो वो 5 वोल्ट तक पहुँच नहीं पाता। ये देखो ये देखो ये इससे भी बाहर चला जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हम जब नापेंगे, सी दैट इज द रीजन कि हम जब सैंपल लेते हैं ना, ब्लॉक सैंपल लेते हैं, सी व्हाट वी विल डू इज व्हेन वी वांट टू टेक अ सैंपल, वी विल टेक अ, ये वाला हम सेव करेंगे, इस सैंपल को जो है सेव करेंगे और बाद में सेव करके बाद में वी विल स्प्रेड इट आउट, इसको स्प्रेड करने के बाद फिर हम देखेंगे कैसे भी करके देखते हैं। अभी आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखो
यू कैन सी दिस पाइप, ये है पाइप। अब ये हम अगर मेजर करें तो ये आ गई ऊपर और जाएगा, ये नीचे सही है, नीचे तो ठीक है, बेस इसका ऊपर वाला करते हैं। 4.6 वही 5 है वोल्टेज पूरी आसपास। हाँ ये देखो, ये नीचे जा रहा है ना, ये देखो अब ये गया ऊपर, ये ऊपर गई पूरी, ये देखो 4.945। फिर उधर व्हाट हैपेंस, ये पूरा 5 वोल्ट है, ये पूरा 5 वोल्ट है, बट ये जो स्पाइक आएगा ना सर, ये जब तक हम ब्लॉक में इसको सेव करके इसको जूम नहीं करेंगे, वी डोंट प्ले इट, इसे सेव कर ले यार। फिर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऑसिलो को हम लोग सेटअप करते हैं, वी यूज 20 by 20 मीन्स 20 मिली सेकेंड्स 20 वोल्ट्स, उसके बाद हम टाइम स्केल को कम करते रहेंगे एंड ऑसिलो हमारे को ऑप्शन दे देगा कि हम लोग उसको मेजर आराम से कर सकते हैं। ये देखो नाउ द स्पाइक, ये देखो किधर किधर जा रहा है, ये कैन कीप कमिंग डाउन, ये 5.1 वोल्ट है, 5.1 वोल्टेज है पूरा, ये सेव कर दिया तुमने। हाँ ये पूरा यहाँ जाएगा, फिर ये सेव कर दे, फिर इसको जितना भी बहुत है वैसे। हाँ बहुत है, डिटेल में देख लेंगे, कुछ सेव कर दिया ये हमने, अब हम इसको हटा भी देंगे एनी टाइम प्ले, अभी मैं इसको निकाल भी दूंगा तो भी दिखा सकता हूँ अभी, वो फाइल में रहेगा। हाँ यहाँ पर आ जाएगा रेफरेंस के अंदर, ये सेव हो गई हमारी डेट के ऊपर। हाँ ये 17:09 दिखा रहा है ना, 5:09 ये अभी सेव किया है, ये है पूरा, अभी इसको निकाल भी देंगे, उसके बाद भी ये रहेगी हमारे पास, बाद में देख सकते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ है, कितना मिनट की होगी, देखना आना चाहिए। ठीक है तो इसको कैनवास को यहाँ पे रोकते हैं और अब हम करंट क्लैंप लगा के आपको फ्यूल पंप का करंट मेजर करना सिखाते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये फ्यूल पंप का फ्यूज निकाल के मैंने लूप वायर लगाई है, लो एम्प करंट क्लैंप है, ऑसिलो को सेटअप किया हुआ है, ये हमारा करंट का पैटर्न है। अब आप ये देखो, बहुत सारे टाइम में ये हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि हमारा जो फ्यूल पंप है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसको ट्रिगर को मैं हटा देता हूँ, ट्रिगर को हटा, ये देखो ओके, ट्रिगर मेरा ड्राइविंग एज पे है तो आई वॉन्ट टू रिमूव इट, जहाँ पे भी, और जब मेरे को ये चेक करना है तो मैं इस पैटर्न को रोकूंगा और जो रिपीटिंग पैटर्न है ओके, वो रिपीटिंग पैटर्न को मैं देखूंगा स्टॉप करके, और उससे मेरे को पता लगेगा कि मेरा यार ट्रिगर को ऑफ ही ना कर दें, व्हाई डोंट वी पुट इट डाउन, नीचे का डाउन कर दूंगा, नहीं लेगा अब ट्रिगर, नहीं लेगा अब। जब ये मेरा पंप है, ये जो हम स्पाइक्स देख रहे हैं ओके, तो ये दिस इज वॉट इट इज, पंप को हम ये ऐसे चेक करना है हमारे को, और ऑसिलो का ये पैटर्न है, हम सेव करके इसको देख सकते हैं। बेसिकली गेम इज कि जो रिपीटिंग पैटर्न है वो कौन सा रिपीटिंग पैटर्न है, अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये जो बंच है, ये अगर हम कर्सर को यहाँ से, यू नो वी वांट टू टेक इट हियर, और दूसरा वाले को हम यहाँ पे, यही पे है, हाँ यही है ना, यही है ना हमारा, तो ये हमारे जो, अगर हमारा लेट अस से कम्यूटेटर बार अगर हमारे को गिनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस टेक्नीशियन हैं वो इसको कम्यूटेटर बार्स को भी गिन सकते हैं, अगर लेट अस से मैं इसको एक मान रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
क्योंकि मैं उतना कभी मैंने इतना ट्राई नहीं किया, बट आई वॉन्ट टू सी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लेता हूँ तो ये रिपीट पैटर्न में जो लोग हैं वो फ्यूल पंप की आरपीएम भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी अपना फ्यूल पंप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी यूँ हो जाता है कि अभी हम ब्रश टाइप का ये ब्रश टाइप मोटर है, अब जो हमारी आई है वो है BLDC ब्रशलेस डीसी मोटर जो 3-phase है। तो अगर हमारे को ये वाले करंट नापने नहीं आए तो आने वाले टाइम में हमारे लिए और बड़ी दिक्कत है। और ये ऑसिलो के बिना, अब ये देखो, ये फॉर इंस्टेंस ये रिपीट पैटर्न है, ये पीक टू पीक अगर मैं देखता हूँ तो ये देखो ये यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, राइट। ये देखो तो ये एक साइकिल है यहाँ तक, ओके। या मैं यहाँ से यहाँ तक की एक साइकिल ले लेता हूँ, ये पीक से ये एंड तक, फिर यहाँ से शुरू होगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ तो यू नो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आई डोंट नो, जैसे ये लोग करते हैं ये हमारे टीचर भी बता सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग इसको ये ब्रश टाइप जो मोटर है उसको हम देख सकते हैं। यही तरीका हमारा फ्यूल इंजेक्टर वगैरह का जो करंट है अगर हम नापना है तो वी विल शो इट यू इन अनदर वीडियो। लेकिन कहना ये है कि ऑसिलो, जो लोग सोचते हैं कि ऑसिलो के बिना काम हो जाएगा, प्लीज़ थिंक अगेन, दोबारा से सोचो। ये सारी चीज़ें आपको बिना ऑसिलो के कहीं पे भी दिखने वाली नहीं। तो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ। एंड ये वीडियो इस तरीके की हम आपको दिखाते रहेंगे। एंड होमी जी, आपको क्या लगा? व्हाट डिड यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? वी हैव टू टर्न दिस लो, फर्स्ट टाइम फीलिंग ऑफ दिस। हां, कोई बात नहीं, देयर वाज अ फर्स्ट टाइम। हम लोग भी सर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है इस कंट्री में कि ये वाले जो ऑसिलो है इसके हमारे पास वर्ल्ड में ट्रेनर भी नहीं है। ट्रेनर सिर्फ पिकोस्कोप के हैं एंड पिको हमारे पास है नहीं। तो अभी हमारे पास जी स्कैन है, जी स्कैन में हमारे पास करंट क्लैंप नहीं है। ये करंट क्लैंप जो लो एम करंट क्लैंप है, हम लोग होटल में भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट हियर ऑल्सो। लेकिन पीको का जो सॉफ्टवेयर है वो टोटली डिफरेंट, और उसी का ट्रेनिंग मिलता है। इनका हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसको ये दिन एवरी डे इज अ न्यू स्ट्रगल। यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। पीको 4.5 लाख का है। पीको 4.5 लाख का है, ये 65,000 रुपये। तो दैट इज द बिग थिंग। तो टिल वी मीट अगेन फ्रेंड्स, दिस इज अमित आहूजा होमी जी से, शुभम से एंड द होल टीम। टेक केयर, बाय बाय।